इसको कितना भी फेंको टूटेगा नहीं वो टेप। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होएगा उसको। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अलंग, जहाँ पर जहाज को तोड़ा जाता है और उससे सामान निकाल कर बेचा जाता है। अभी हम राजकोट में है एक अलंग पॉइंट पर, हमारे साथ सफी भाई हैं। सफी भाई थोड़ा सा बताइए आपके पास सामान क्या क्या है। यहाँ से पहले तो अपने पास ये मैटिंग पड़ी है, रबर सीट। ये जहाज में इस्तेमाल होती है? ये जहाज में इस्तेमाल होती है, जहाज में नीचे जो बिछा के रखते हैं। ये सब मेरे पास नई चेन है। अच्छा, ये चेन जो है ये सब नई चेन है। मार्केट के अंदर 300 रुपए मीटर मिलेगी, मैं इधर केजी के हिसाब से देता हूँ 250 रुपए केजी। और इसके अलावा अपने पास चेन चक्कर है, जो मशीन में लगाते हैं ना, चेन किसी भी मशीनरी चक्कर के अंदर लगाते हैं, फिर वो चेन उसके ऊपर लगा देते हैं तो आसानी से घूमता है, चक्कर काटता है, चक्कर काटता है। अपने पास हेवी वाला नट बोल, ये सब इतना ही पड़ा है मेरे पास, स्टॉक होता है, खाली हो जाता है, आ जाता है वापस, ऐसा होता है। और ये इधर तो बहुत सारे पाने और चाबी, इधर पाना चाबी ये सब है, मतलब यही पाना 5-7 हजार किलो पाना है। ये क्या, ये भी किलो के हिसाब से? मैं केजी के हिसाब से देता हूँ, 150 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो तक। मतलब ऐसी कोई दुनिया में कोई मशीन नहीं होगी जिसकी यहाँ चाबी ना हो। जिसकी चाबी ना मिले, कमाल है यार। ये देखना, ये चाबी है। अरे भाई कितना वेट होगा इसमें? ये वेट होएगा 17 किलो। 17 किलो? 17 किलो के आसपास। हाँ। ये अलंग की टॉक रेंज है। अच्छा, मतलब कैपेसिटी उसकी नट बोल की जितनी होगी ना, कैपेसिटी के हिसाब से टाइट कर दी है। मतलब आपका बोल्ट बोल्ट टूटेगा नहीं, मतलब ये वहीं अपना आप ऑटोमेटिक रोक देगी, ऑटोमेटिक रोक देगी। ये केबल है, इससे 10 mm 4 कॉर्ड, मतलब वो सबसे ज्यादा वाला अपने पास जो केबल पड़े ना। हाँ। वो ये कटर से वो एक बार काट के दिखाइए हमें थोड़ा सा। ये केबल है हमारे सबसे पास सबसे बड़ी केबल। हाँ यार, इससे तो मोटी और क्या ही केबल होगी। ये कटिंग करनी है? हाँ। अरे भाई एक झटके में काट दिया। ये मैग्नेट लिफ्टर है, अगर आपको लोहे की कुछ सामान उठाना है तो ये इतना सा है, 600 किलो उठा लेगा। अच्छा। हाँ, तो ये काम किस तरीके से करता है? जैसे मतलब नीचे लोहे की प्लेट आप रख दो, इसको पुश करके ऐसे लगा देने का। ये चिपक गया, ये निकलेगा नहीं। अच्छा, फिर अपने पास आगे इधर रस्सा है। ये भाई जहाज में यूज, जहाज में ही होता है। ये स्पेयर का माल है, ये यूज हुआ माल नहीं है। फिर इसका प्राइस क्या मिला? क्योंकि जैसे ये नया है तो ये ज्यादा मिलेगा या ये भी नॉर्मल? ये भी नॉर्मल रेट में ही मिलेगा, 150 रुपए किलो। और ये साइड में ये सब, ये साइड में सब मिक्स में माल मेरे पास पड़ा है। इधर ड्रिल मशीन में लगने वाले ड्रिल बिट है, फिर सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन में टूल जो लगते है वो है। इधर के तरफ ये थोड़े से अलग, ये सब नया सामान है अपना सर, ये अमेरिका की हथौड़ी है। अच्छा, हाँ हमने देखी थी, रील व्हील में देखी है मैंने ज्यादा। ये सब हेवी वाली है, ये ब्रश है, ग्राइंडर में लगा के कुछ कलर वलर साफ सफाई करने का ना। ये वैक्यूम क्लीनर है, ये इधर नया खाई, ये और नई आई है। अच्छा, नया, क्योंकि नया भी रखना पड़ता है, कस्टमर लोग आते हैं मांगते हैं। पता नहीं किसको क्या जरूरत पड़ जाए। ये सब मोटर नहीं है, ये सब है लोड उठाने वाला इलेक्ट्रिक, ये है लोकर। किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो वो अपना लोक करके इसमें रख सकता है, लोकर में इंपोर्टेंट चीज, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट है। कीमत इसकी है 6,500 रुपए। और वैसे अगर बाहर मिले, बाहर कम से कम इसका होएगा 18,000 से 20,000 रुपए। अच्छा, ये क्या, ये भी, ये खाली टूल्स है, ये टूल्स पेटी है, इसके अंदर आपके जो कुछ पाना वाना रखना होगा। अच्छा, ये मतलब बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये छोटा बन जाता है, ये हो गया। ये कम से कम मेरे पास 300 टन, 300 टन मतलब बेचते किस हिसाब से है? मैं केजी के हिसाब से बेचता हूँ ये सब, मोटर भी केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से ये सब। और ये 250 रुपए केजी। मैक्सिमम हॉर्स पावर कितनी है मोटर की? 1400 rpm है, 2800 rpm, 900 rpm है, ये सब, ये सब पीस के ऊपर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसमें मेरे पास 1000 रुपए से लेके कम से कम मेरे पास 15,000 रुपए 17,000 रुपए वाली है सब। फिर ये शिप के सोफे पड़े हैं मेरे पास, बेंच लगा हुआ रहता है ना बैठने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो कंप्रेसर अभी पड़ा है मेरे पास। अच्छा, ये जैसे कोई हवा वगैरह के लिए है? तो कुल मिला के जहाज में छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीज रहती है, सारी चीज रहती है। बहुत बढ़िया। चलिए, 5 horsepower का ब्लोअर है, हवा फेंकने के लिए, हवा फेंकने के लिए। मतलब इधर से मैं ये चालू करूंगा ना तो सामने डिवाइडर है ना, उधर तक हवा फेंकेगा। यहाँ से अगर आप चालू करेंगे तो उधर सामने डिवाइडर दिख रहा है ना, उधर तक हवा फेंकेगा। क्या बात है सफी भाई, अब थोड़ा सा बताइए कि आपका एड्रेस बताइए कहाँ पे है। मेरा एड्रेस ये राजकोट गुजरात में है, गुजरात, गुजरात के अंदर राजकोट है, उधर है गोंडल रोड, राजकमल पेट्रोल पंप के सामने। ऑनलाइन भी मंगवा सकता है, मतलब 200-400 का बताए तो ऑनलाइन नहीं भेज सकते हैं, ज्यादा चाहिएगा। हाँ, क्वांटिटी में चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9714899125। चलिए, तो ये पूरा आपने देखा वीडियो, हमें कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।